राज, वेलकम यू ऑल। सो आज का स्टूडेंट्स हमारा ये जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज विच इज़ नोन एज माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक। ये आपके CBSE बोर्ड में बेसिकली पाया जाता है ये चैप्टर, और ये जो कोडिंग का लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, ये आपको देखने को मिलता है आपके क्लास, यू कैन से लाइक क्लास 6 एंड क्लास 7 में बेसिकली देखने को मिलता है। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर तो है नहीं, फिलहाल ये हम लोगों ने बेसिक स्टूडेंट की डिमांड पर मैंने ये लेक्चर को बनाया है, डेट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक सब रूटीन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक सब रूटीन। इसे हम लोग थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल की मदद से समझेंगे सब रूटीन का क्या मतलब होता है और कैसे हम लोग इसे सब कोड लिखेंगे और कैसे हम लोग इसे यूज़ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ सब रूटीन। तो सब रूटीन इज़ वॉट? तो कई बार हमें ऐसा सिचुएशंस होता है हमारे पास जब हमें ऐसा देखने को मिलता है, या ना कि कई बार हम लोग जो प्रोग्राम को लिखते हैं ना, तो मल्टीपल टाइम्स एक छोटे से प्रोग्राम को, है ना, एक छोटे से चंक ऑफ कोड को, लाइक ये हमारे पास 3 लाइन का कोड है, 3 लाइन का स्टेटमेंट है, इस 3 लाइन के स्टेटमेंट को हमें अपने प्रोग्राम में या अपने कोड में, है ना, मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। सपोज़ हमारा कोड जो है 100 लाइन्स का कोड है, 100 लाइन्स का कोड है हमारा ये प्रोग्राम है, वहाँ पर हमें इस 3 लाइन के स्टेटमेंट को सपोज़ यू कैन से लाइक 10 टाइम्स कॉल करना है। 10 टाइम्स वी नीड टू कॉल दिस 3 लाइन स्टेटमेंट्स, और वी कैन से लाइक दिस ग्रुप ऑफ 3 लाइन स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो इट इज़ रिटन की वेरी ऑफन वाइल प्रोडक्टिंग प्रोग्राम्स वी विल रन इन टू केसेज, है ना, बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन आती हैं जहाँ पर वेयर वी विल हैव टू एग्जीक्यूट द सेम सेट ऑफ स्टेप्स, जहाँ हमें रन करना रहता है, एग्जीक्यूट करना रहता है सेम सेट ऑफ स्टेप्स, मतलब सेम तरह की चीज़ें, है ना, स्टेप्स मतलब वही स्टेटमेंट्स, वही इंस्ट्रक्शंस, सेम सेट ऑफ मतलब ये, है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने चलाया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये स्टेप्स हैं, है ना, तो ये एक सेट बन गया। तो इसी सेम सेट ऑफ स्टेप्स को हमें बार बार चलाना होगा, ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, बट अलग अलग टाइम पे, बट दैट टू इन द सेम कोड, है ना। तो वही बात मैंने बोला यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया है कि यहाँ पर आपके पास एक सेट था, है ना, इसे आप सेट मान सकते हैं। ठीक है, ये एक सेट है, तो इस सेट में आप क्या देख रहे हैं, कितने स्टेप्स हमारे पास है ना, इस लाइन के हिसाब से अगर हम चलें तो इस सेट में, है ना, कहते हैं ना एक सेट है, क्वेश्चन पेपर का सेट है, तो उस क्वेश्चन पेपर के सेट में कितने क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन का है, 1 2 3 मान लेते हैं, 3 लाइन का स्टेटमेंट है, तो 3 आपका इसके अंदर क्वेश्चन है, है ना, तो इस ये 3 क्वेश्चन का क्या हो गया, एक सेट हो गया, है ना, या फिर एक कह सकते हैं कि एक ग्रुप हो गया। तो इस 3 लाइन के स्टेटमेंट का जो हमारा ये है सेट है, या फिर 3 लाइन का हमारा स्टेप्स का जो हमारा ये सेट है, इसे हम लोग को बार बार यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में या अपने कोड में। और ये जो प्रोग्राम या जो कोड है हमारा, ये कितने लाइंस का है, 100 लाइंस का है। तो 100 लाइंस ऑफ कोड में मुझे ये जो सेट है, है ना, या फिर ये जो ग्रुप है मुझे यूज़ करना है अपने 100 लाइंस ऑफ कोड के प्रोग्राम में, मुझे ये सेट या ग्रुप को यूज़ करना है। और उस सेट या उस ग्रुप में कितने सारे स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, या फिर 3 स्टेटमेंट्स हैं, या फिर 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे बार 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 यूज़ करना है, है ना। तो सपोज़ एग्जांपल में मान लेते हैं कि हमें 10 बार यूज़ करना है, 100 लाइन ऑफ कोड में मुझे 10 बार इस पर्टिकुलर सेट को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। और उस सेट में मेरे पास कुछ लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, तो क्या ये करने के लिए क्या मैं 10 बार मुझे यूज़ करना है अपने 100 लाइन के कोड में, तो क्या इन ईच एंड एवरी टाइम्स, है ना, वो 10 बार क्या मैं वो 3 लाइन लिखूंगा, यहाँ में नॉर्मल मुझे कोड है, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी उस 3 लाइन के कोड की, तो फिर से मैं 3 लाइन लिखा, फिर मैं लिखे जा रहा हूँ नॉर्मल कोड, फिर मुझे 3 लाइन की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैं 3 लाइन लिखा। तो क्या कुछ ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि उस मैं वो 3 लाइन एक जगह लिख दूँ और बाकी जगह मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर बस मैं क्या उसे कॉल कर लूँ, है ना। ऐसा अगर टेक्निक है, इस टेक्निक को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब रूटीन।
तो दैट्स वाई इट इज़ रिटन. यहाँ पर वेरी ऑफन वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे पास जो सेम सेट है ना, सेम सेट है स्टेप्स का या स्टेटमेंट्स का, उसे हमें बार बार रन या एग्जीक्यूट करना रहता है ओवर एंड ओवर अगेन. इन दोज केसेस इट इज़ प्रोबेबली वुडंट मेक सेंस, है ना. उसका कोई सेंस नहीं है कि हम बार बार उसी स्टेटमेंट्स को, उसी स्टेप्स को, है ना. देखिए सेम स्टेटमेंट्स लिखा है, स्टेटमेंट्स या स्टेप्स, स्टेप्स यहाँ लिखा है, तो सेम स्टेटमेंट्स को या उसी स्टेप्स को, है ना, बार बार हम लिखे हैं, मल्टीपल टाइम्स लिखे हैं. मुझे कितने बार लिखना था एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने क्या बोला यहाँ पे 10 बार, तो क्या 10 बार आप लिखेंगे? तो इट प्रोबेबली वोंट मेक सेंस, तो कोई मतलब नहीं होगा. इट्स लाइक सेंसलेस बात होगी, है ना, मतलब इररिलेवेंट बात होगी, एकदम बेतुका बात होगी. उसका क्या मतलब नहीं होगा, बेवकूफ़ी होगी, वो हमारा एफर्ट ज़्यादा लगेगा हमारा, क्योंकि मुझे सेम 3 लाइन को लिखना है. वो 3 लाइन जो है हमारा, 3 लाइन जो है वो, 3 लाइन का जो स्टेटमेंट है या फिर 3 लाइन का जो हमारा स्टेप है, उससे मिलकर हमारा क्या बना, एक सेट बना या फिर एक ग्रुप बना. उसे मुझे अपने प्रोग्राम में लिखना है. एक बड़ा सा मेरा प्रोग्राम है सपोज 100 लाइन का, तो उस 3 लाइन के सेट को या ग्रुप को मुझे बार बार लिखना है. तो थोड़ी मैं बार बार लिखूँगा उसे, जितनी बार मुझे यूज़ होगा, सपोज 10 बार मुझे यूज़ करना है अलग अलग जगह पर, नहीं, मैं क्या करूँगा, एक जगह मैं लिख दूँगा उस 3 लाइन के सेट को या ग्रुप को, और फिर 10 बार मैं उसे क्या करूँगा, कॉल करूँगा. इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सब रूटीन, एंड दैट्स व्हेन सब रूटीन कम्स इन हैंडी. तो यहाँ तक ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है. यहाँ से उम्मीद है आपको अपनी थ्योरी क्लियर हो चुका होगा. अब आपके जो भी आपके बुक चल रहे होंगे, है ना, वहाँ पर आपका अलग अलग स्टेटमेंट्स होगा, बट आपके कहने का मतलब यही है, ठीक है, ओके. नाउ अ सब रूटीन इज़ अ पोर्शन ऑफ कोड. तो क्या सब रूटीन है, ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया. यहाँ बेसिकली जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट पैराग्राफ, ये बेसिकली बता रहा है कि रीज़न क्या है ना, व्हाट इज़ द नीड, है ना, नीड क्या है, क्या ऐसा नीड पड़ा जब मुझे ये सब रूटीन पढ़ने की ज़रूरत पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. और हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये हम लोगों ने समझ लिया क्या रीज़न है, क्यों इसके इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्या इसकी नीड है. अब चलिए हम लोग डेफिनेशन की बात करें. तो फिर सब रूटीन क्या हुआ, एक ऐसा पोर्शन ऑफ कोड है विद इन अ लार्जर प्रोग्राम. देखिए क्या लिखा है, विद इन अ लार्जर प्रोग्राम, एक बड़े प्रोग्राम में, है ना. ऐसे मैंने क्या बोला, 100 लाइन का कोड है या प्रोग्राम है, 100 लाइन के कोड में, विद इन अ लार्जर प्रोग्राम, उसके अंदर में जो सब रूटीन होता है ना, वो क्या होता है, एक पोर्शन होता है, एक छोटा सा भाग होता है कोड का. उस 100 लाइन के कोड में, उस लार्जर प्रोग्राम में, हमारा सब रूटीन एक छोटा सा भाग, एक पोर्शन है. दैट यूजुअली डज समथिंग वेरी स्पेसिफिक, वो कुछ स्पेशल काम करता है ना, बशर्ते आप उसमें एक स्टेटमेंट को प्रिंट ही क्यों ना कराएं, बट उसका एक स्पेशल काम है, उसे आप एक काम दिए हैं, वो काम करेगा, है ना, अपने कोड में. एंड दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम. मैंने क्या बोला, आप एक जगह उस 3 लाइन के सेट को लिख दें, है ना, तो फिर अपने 100 लाइन के कोड में जहाँ पर भी उसे आपका नीड है, यहाँ नीड हुआ आप यहाँ पर उसे कॉल कर लें, यहाँ नीड हुआ बाकी लाइन से, यहाँ नीड हुआ यहाँ पर इसे कॉल कर लें, ठीक है. फिर क्या कर रहा है, वेरी स्पेसिफिक, एंड दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम. पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी फिर उसे आप ऐड कर सकते हैं, बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. नाउ सब रूटीन्स आर आइडेंटिफाइड बाय नेम दैट फॉलोज द सब कीवर्ड. अब ये सिंटैक्स की बात कर रहा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है. ये सब रूटीन्स को कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय ए नेम, है ना, एक नेम से. उसका एक नाम होता है, सब रूटीन का क्या होता है, एक नाम होता है. दैट फॉलोज द सब कीवर्ड, उसके पीछे क्या लगा रहता है, एक सब लगा रहता है, जो कि सब क्या है, मेरा कीवर्ड है, है ना. मतलब कि आप कहीं से कहीं पर प्रोग्राम में आपका सब रूटीन लिखा है, आप कैसे पहचानोगे, तो आप कैसे पहचानोगे, सब रूटीन सर आइडेंटिफाइड कैसे पहचानोगे, उनका एक नाम होगा और नाम के पीछे क्या लगा होगा, सब लगा होगा, और वो सब क्या है, वो सब एक कीवर्ड है. इट मीन्स ये जो सब है ये क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है, ओके. सब रूटीन आइडेंटिफाई बाय नेम दैट फॉलो द सब कीवर्ड एंड टर्मिनेटेड बाय द एंड सब कीवर्ड, और टर्मिनेट किया जाएगा एंड सब कीवर्ड्स. तो एंड सब भी क्या है, कीवर्ड है. एंड सब भी क्या है, कीवर्ड है. सबसे शुरुआत होगी सिंटैक्स की, सब रूटीन के सिंटैक्स की शुरुआत होगी सबसे, फिर सब रूटीन का नाम, फिर है, फिर आपका स्टेटमेंट्स, है ना, जो भी आपको 2 या 3 लाइन का स्टेटमेंट लिखना है वो, ठीक है. उसके बाद फिर आप एंड सब लगाओगे, एंड सब और सब इज़ व्हाट, दीज आर कीवर्ड्स.
है ना, ये हमारा सिंटैक्स का भाग है। ओके, ये सिंटैक्स आपने समझ लिया होगा। अब एग्जांपल के रूप में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एग्जांपल पे ध्यान देंगे, सब प्रिंट टाइम। तो आप जब ये देखेंगे प्रिंट टाइम के पहले क्या लगा है, सब लगा है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि सब रूटीन्स आर आइडेंटिफाइड बाय नेम दैट फॉलोज द सब कीवर्ड। सब रूटीन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक नाम होता है सब रूटीन का, इससे पहले सब लगा रहता है। इट मीन्स सब के आगे जो लगा है प्रिंट टाइम, या फिर बोलें प्रिंट टाइम के पहले जो लगा है सब, इट मीन्स प्रिंट टाइम इज़ वॉट, प्रिंट टाइम ही हमारा क्या है, सब रूटीन का नाम है, है ना। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, और सब क्या था हमारा कीवर्ड, और फिर ये एक लाइन क्या है, एक लाइन का हमारा क्या है इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट बोलेंगे। जिस तरह से हम लोग बोल रहे थे कि तीन लाइन का स्टेटमेंट होगा ये ग्रुप होगा, तो यहाँ पे तीन लाइन का नहीं है, कितना लाइन का है, ओनली वन लाइन का हमारा स्टेटमेंट है, है ना। हमारे सेट में या फिर हमारे ग्रुप में कितने लाइन का स्टेटमेंट है, ये ओनली वन लाइन का स्टेटमेंट है। और ये तो सिंटैक्स हो रहा है ना, ये सिंटैक्स उसको उस वो जो हमारा ग्रुप था, वो जो हमारा जो सेट था, उसको हम लोग किसके बीच में लिखेंगे, वो हम लोग एक सिंटैक्स के अंदर लिखेंगे। और सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग सब कीवर्ड लिखेंगे, और सब कीवर्ड के बाद हम लोग अपने सब रूटीन का नाम लिखेंगे जो कि प्रिंट टाइम है। उसके बाद हमारा जो सेट है और जो ग्रुप है जिसके अंदर हमारा जो स्टेटमेंट से मैंने बताया था एग्जांपल के रूप में तीन लाइन का स्टेटमेंट, तो यहाँ पर तीन लाइन का नहीं बशर्ती एक लाइन का स्टेटमेंट है। तो उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर वो जो सेट था या जो जो ग्रुप था, उसको हम लोगों ने अपने सिंटैक्स के अंदर सेट किया है। और सबसे पहले हमारा सब, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सब लिखा है, और सबके बाद हमारा सब रूटीन का नाम, उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर जो सेट है या ग्रुप है उसके अंदर तीन लाइन नहीं बट एक ही लाइन का हमारा स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एंड सबसे हमारा यहाँ पर सिंटैक्स ख़त्म होता है एंड सब कीवर्ड से, ठीक है। तो ये तो एक सब रूटीन है जो कि एक पोर्शन सब रूटीन का सिंटैक्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा सब रूटीन का सब रूटीन हमारा लिखा है ना। सब रूटीन यहाँ से यहाँ तक हमारा सब रूटीन लिखा है, और इसे हम अपने लार्जर प्रोग्राम में लिखेंगे। आइए हम इसे समझते हैं, हम लोग इसे प्रैक्टिकल कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर हम लोग स्मॉल बेसिक को ऑनलाइन चला रहे हैं। यहाँ पर आपको जैसा मालूम हो कि टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन है लिखा, है ना। तो इट मीन्स यहाँ ये तो हमारा एज इट इज कोड को प्रिंट कर देगा जो लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है ये एज इट इज़ प्रिंट करेगा। अब हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने सब रूटीन को, है ना, यहाँ हमें समझना है क्या, यहाँ हमें समझना है सब रूटीन। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने वो क्या बताया था कि अपने लार्जर प्रोग्राम में, तो हमारा ये प्रोग्राम है कितने लाइन का प्रोग्राम है, 7 लाइंस का हमारा ये प्रोग्राम है, कोड है। ओके, तो इस 7 लाइन के प्रोग्राम में या कोड में हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर हमारा सब रूटीन लिखा है। मैंने क्या बोला था कि सब रूटीन का जो नाम होगा उसके पहले क्या लिखा होगा, सब लिखा होगा, सब कीवर्ड लिखा होगा। तो ये आपको लाइन नंबर 4 में देखने को मिल रहा होगा, लाइन नंबर 4 में सब करेंट टाइम लिखा है। तो सब करेंट टाइम सब लिखा है, और सब क्या है, करेंट टाइम है, है ना। इट मीन्स सब हमें कीवर्ड मिल गया, तो सब कीवर्ड के आगे जो लिखा है वो हमारा क्या है, वो हमारा सब रूटीन का नाम है ना, सब रूटीन का नेम है। तो इफ़ समवन विल आस्क व्हाट इज़ अ सब रूटीन इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में सब रूटीन कौन सा है, तो सब रूटीन है करेंट टाइम, सब रूटीन का जो नाम है वो है करेंट टाइम, ठीक है। और सब रूटीन का सिंटैक्स कहाँ से कहाँ तक लिखा है, वो लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 6 तक लिखा है, ठीक है। तीन लाइन का हमारा मतलब बेसिकली हमारा जो तीन लाइन का हमने देखा था जो बेसिक था, है ना। तो ये शुरुआत में हम लोग क्या कह रहे थे, सब कीवर्ड, फिर सब रूटीन का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शंस थे, जितने भी लाइन के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तीन लाइन के, एक लाइन के, दो लाइन के, पाँच लाइन के, जितने भी लाइन के आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे, है ना, वो सारा यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, आपका इंस्ट्रक्शन बोलेंगे या स्टेटमेंट बोलेंगे वो। उसके बाद फिर हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एंड सब कीवर्ड रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे फोर नंबर लाइन में सब सबरूटीन का नाम जो कि करंट टाइम है। फिर हमारे पास यहाँ पर बस एक लाइन का हमारा स्टेटमेंट है या फिर इंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है, लाइन नंबर फाइव में। उसके बाद फिर लाइन नंबर सिक्स में हमारा एंड सब, हमारा सब रूटीन यहाँ से यहाँ ख़त्म हो चुका है। सो वी कैन से कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन का स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होगा। ओके सो नाउ, तो यहाँ तक मैं बताऊँ अगर तो 4 to 6, ठीक है। अब तो ये सब रूटीन, तो ये 4, 5 और 6, ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा ये, एक हमारा एक सेट के अंदर आ गया है ना, ये तीन लाइन। तो अब हमें इस अपने 7 लाइन के कोड में जहाँ जहाँ इसे इस्तेमाल करना होगा हम इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल फ्लो सबसे पहले 1 पे जाएगा, वो प्रिंट कर देगा, पता है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन है ना, प्रिंट करने में काम आता है, तो ये प्रिंट होगा इन्वर्टेड के अंदर के जो लिखा है। फिर सेकेंड लाइन जो लिखा है फिर वो भी हमारा एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर थर्ड लाइन आप देख पा रहे होंगे ये फिर अब क्या लिखा है, मैंने क्या बोला था, जहाँ पर भी हमें नीड होगा वहाँ पर हम लोग अपने सबरूटीन को कॉल करेंगे। तो किसी भी चीज़ को कॉल कैसे करते हैं, है ना, आपके मम्मी पापा को कैसे कॉल करते हैं, आपका नाम लेकर। तो यहाँ पर हम लोग भी कॉल कैसे करेंगे अपने सबरूटीन को, सबरूटीन का नाम लेकर। तो सबरूटीन का नाम हमारा क्या था, करेंट टाइम, तो करेंट टाइम को हम लोग कॉल करेंगे। बस अंतर यही रहेगा कि हमारा जो सबरूटीन है, करेंट टाइम नाम था, ये करेंट टाइम ये नेम था, ठीक है। बट जब कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, सबरूटीन का नाम लिखेंगे सेम हम लोग, और उसके बाद अ पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। इट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सबरूटीन को कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड लाइन पे हम लोग अपने सबरूटीन को कॉल करेंगे, ठीक है, और फिर हमारा ये सबरूटीन चलेगा। फिर 7 लाइन हमारा फिर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपने सबरूटीन कॉल किया है, हम लोग 8 नंबर लाइन में भी है ना सबरूटीन को कॉल कर सकते थे, है ना। तो ये हम आपको एक एग्जांपल दिया गया है, तो आइए हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं अपने कोड को। देखिए, लेट्स लर्न स्मॉल बेसिक, हैप्पी दुर्गा पूजा 2023, अंडरस्टैंड कोडिंग मैन कुरा सर, योर लर्निंग विल बी गाइडेड सून इन योर ब्रेन, प्रोग्राम हैज एंडेड। ये हम लोग बैक जाएंगे, तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंडिंग कोडिंग बाय अंकुर राज सर, ये आपका सब रूटीन के अंदर वाला लाइन एग्जीक्यूट होकर आपका प्रिंट हुआ है ना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाई अंकुर राज सर जो है आपका वो सब रूटीन के अंदर का लाइन है ना। तो ये जो अंकुर राज सर है ये सब रूटीन के अंदर वाला लाइन कॉल हुआ है। ओके और या तो यहाँ पर लेट्स लर्न एंड हैप्पी दुर्गा पूजा आपका नॉर्मल लाइन है ना, जो आपका प्रिंट हुआ है, लेट्स लर्न एंड हैप्पी दुर्गा पूजा, ठीक है। ओके, लेट्स लर्न एंड हैप्पी दुर्गा पूजा, ये आपका दोनों क्या है, आपका नॉर्मल प्रिंट हुआ है, योर लर्निंग विल बी क्रिएटेड सून इन योर ब्रेन, ये भी नॉर्मल प्रिंट हुआ है। बट ये जो अंकुर राज सर है ये आपका सब रूटीन जो कॉल हुआ था है ना तीसरे लाइन में, उसके द्वारा ही प्रिंट हुआ, और ये प्रोग्राम है जनरेट, ये हमेशा आता है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सो यहीं तक हमें बताना था, कवर करना था। और यहाँ ये आप देख सकते हैं, ऐसे आप ओपन करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक में यहाँ से अपने आप कोड को, सॉरी, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन इसे रन करना स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा कोड है, इसे आप प्रिंट करके देखेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आपसे फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये हमारा पहला लेक्चर था अपने स्मॉल बेसिक लेक्चर सीरीज़ का, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।